हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है शफी मोहम्मद, आप लोग देख रहे हैं शफी मोहम्मद यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है गेमिंग लवर्स के लिए, यूं कहा जाता है GTA सिर्फ और GTA 5 लवर्स के लिए, क्योंकि आज की जो इंटरेस्टिंग ये है कि मैं आप लोग के लिए लाया हूँ एक अंडर 8000 रुपीज़ बजट बिल्ड PC ओनली फॉर GTA 5 गेम्स के लिए। तो फ्रेंड्स, जब भी पाकिस्तान में बात आती है गेमिंग की, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं वो पहले ही मना कर देते हैं कि नहीं भाई, गेमिंग एक बहुत ही बुरी चीज़ है। तो वो गेमिंग को बहुत बुरी चीज़ मानते थे, इसलिए वो हमें पैसे नहीं देते। तो 8000 पे भी यार बहुत होते हैं, इनफ होते हैं 8000, बहुत होते हैं इनफ होते हैं यार, बुरे नहीं होते आपको गेमिंग के लिए, क्योंकि 8000 पे भी आपको एक अच्छा गेमिंग PC आ सकता है। इस पर आप बहुत ही अच्छी अराउंड 30-35 FPS गेमिंग कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात है, 8000 पे में आप 60 FPS तो कर ही नहीं सकते भाई, सोचना भी दूर की बात है भाई, करना तो फिर वो सोचना भी दूर की बात है। तो प्लीज़ यार, इस वीडियो को शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ मेरे इस वीडियो को लाइक भी कर देना। तो चलिए आइए बढ़ते वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले अगर पाकिस्तान में किसी भी शॉप पर जाएंगे, किसी भी शहर से, तो किसी शॉप से जाएंगे तो आपको वहाँ पर जाके यही कहना है दुकानदार को कि भाई मुझे कोर 2 क्वाड चाहिए Q6600। तो इसकी मैंने इस प्रोसेसर को इसलिए चुना है क्योंकि अगर आप GTA 5 के लिए हम PC बिल्ड कर रहे हैं, अगर आप गूगल पे जाके भी ये रिसर्च करें GTA 5 PC मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, तो वो भी आपको यही दिखाएगा कोर 2 क्वाड Q6600, क्योंकि कोर 2 क्वाड कम से कम भी GTA 5 को चलाने के लिए कोर 2 क्वाड चाहिए, क्योंकि कोर 2 क्वाड में 4 कोर होते हैं और वो बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस देता है। तो आपको देगा जो होगा कोर 2 क्वाड Q6600 2.4 GHz का है 4 कोर के साथ। उसके साथ आपको मिलेगा 4GB रैम, DDR3। अगर आपको DDR3 नहीं मिलती तो आप DDR2 भी लें, लेकिन DDR2 भी उतनी परफॉर्मेंस देगी जितनी DDR3, लेकिन DDR3 उससे थोड़ी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। तो आपको ये मिलेगा। उसके साथ साथ आप उसको बोलें विदाउट हार्ड डिस्क नहीं देना। तो बगैर हार्ड डिस्क के जो आपको पड़ेगा 4GB रैम और कोर 2 क्वाड, ये जो आपको पड़ेगा या 4000 या 4500 तक आपको पड़ जाएगा, डिपेंड्स 4.5K, मतलब 4500 तक आपको ये पड़ जाएगा। तो उसके साथ साथ जो हमें एक हार्ड डिस्क भी ऐसी ढूंढनी होगी 500 GB की, जो हमें ज़्यादा महंगी ना पड़े, अराउंड बजट के अंदर आ जाए। तो 500 GB की जो आपको हार्ड डिस्क पड़ जाएगी, आप यूज़ में लें, यूज़ में न्यू नहीं, यूज़ में, हम इसमें सारे जो चीज़ें यूज़ करेंगे वो और सारी चीज़ें यूज़ होंगी। तो जो जो आप हार्ड डिस्क यूज़ करेंगे वो होंगे 500 GB की, जो आपको अराउंड यूज़ जो होगी अराउंड आपको 1000 रुपीज़ की पड़ जाएगी। तो जो मतलब टोटल बजट हमारा हो जाता है वो हो जाता है 5.5K, मतलब 5500 पे। तो अब पीछे अब हमारे पास बचते हैं 2500 पे। तो 2500 पे में हमें एक ऐसा ग्राफिक कार्ड ढूंढना है जो GTA 5 को सपोर्ट करता हो। तो GTA 5 के लिए जो मिनिमम ग्राफिक कार्ड है वो कम से कम 9800 GT है, क्योंकि वो उस पर भी चल जाते हैं, मतलब आप 1GB वाले ग्राफिक कार्ड के भी GTA 5 चला सकते हैं। तो मैंने जो ग्राफिक कार्ड चूज़ किया है वो है GT 430 1GB DDR3 128 bit वाला, क्योंकि ये आपको पाकिस्तानी मार्केट में अराउंड 2.5 या 3000 तक पड़ जाएगा, 2500 से 3000 तक ये इसकी प्राइसेस है पाकिस्तानी मार्केट में, लेकिन आप कोशिश करो तो आपको 2500 तक पड़ ही जाएगा। तो मतलब टोटल हमारा बजट पड़ता है 8000 पे। और इस ग्राफिक कार्ड में ये आपको कोई 6 पिन कनेक्टर नहीं लगता, ये आपके नॉर्मल जो 300 या 350 volts का जो पावर सप्लाई उसके केसिंग के साथ ही आती है, तो उसके साथ अटैच हो जाएगा। और याद रहे, अगर आप PC बिल्ड कर रहे हैं तो आप उसको टावर में बनाएं, डेस्कटॉप केसिंग कभी ना करना, टावर केसिंग करवाना, क्योंकि टावर में आप करेंगे तो आप उस पर ग्राफिक कार्ड भी लगा सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप करेंगे तो डेस्कटॉप में ग्राफिक कार्ड का बहुत मसला होता है, क्योंकि हमेशा टावर में PC लिया करें। अगर आपको नॉर्मल ऐसे थोड़ा बहुत घर में यूज़ करने, ऑफिस यूज़ करने के लिए चाहिए तो आप डेस्कटॉप रखें, वरना अगर गेमिंग के लिए करें तो आप टावर PC हमेशा बाय करें। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो बस इतनी ही थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो मैं इस वीडियो को लाइक और साथ साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद कीजिएगा।